महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि न केवल भारत सरकार और राजस्थान सरकार और इसके साथ साथ हमारे जो विभिन्न जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा भी ये कार्यक्रम जो है हमारे जिले के साथ साथ राजस्थान के 11 अन्य जिलों में भी ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जैसा आपको विदित है कि टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हम जानते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है और कुछ बच्चे हैं जो अपने एक साल के अंदर कुछ ऐसी बीमारी हैं, अगर हम वैक्सीनेशन उनका नहीं कर पाते तो उनकी जो मोर्टिलिटी है, मृत्यु दर है, वो बढ़ने की संभावना रहती है। एक कार्यक्रम था, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम, 1985 से शुरू हुआ था, जिसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम बोलते थे, और उसी की हमने वृत्तता को देखते हुए ये देखा कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बच्चों को एक साल के अंदर घेर लेती हैं, अगर हम उनका समय पर वैक्सीनेशन कर दें तो वो बीमारियों से हम बच्चे को बचा सकते हैं। उसी के अंदर ये जो कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, ये हमारे देश में 1985 से लेके, और हमारे देश में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में चल रहा है। WHO जिनके भी प्रतिनिधि आए हुए हैं उनके सहयोग से, और अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीनों से मिशन इंद्रधनुष जो कार्यक्रम था वो चल रहा था, और उसके बाद अब हम इसके अंदर आए हैं इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, जो कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंदर हमने हमारे ज़िले के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा सर्वे कराया, उसमें देखा कि 0 से 2 साल के जो बच्चे जो छूट जाते हैं, और छूटने के बहुत सारे कारण रहते हैं। एक तो ये है कि हमारा ये जो ज़िला है वो इतना बड़ा है, स्कैटर्ड है, ढाणियों में पॉपुलेशन है, लोग हैं वो निवास करते हैं, और कुछ हमारे यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, और कई जगह हमारी पोस्ट भी खाली थी जो ANM 2-2, 3-3 महीने से सब सेंटर के ऊपर खाली थी। तो उन सभी बच्चों का हमने हेड काउंट करवाया, उस हेड काउंट के पश्चात हमने ये देखा कि जो बच्चे छूट गए थे, वंचित रह गए थे, उनका किस प्रकार टीकाकरण कराया जाए। उसी के लिए जो भारत सरकार और हमारी राजस्थान सरकार ये मिलके हमारा जो है सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम ये प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आप आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ, और आपसे ये निवेदन करता हूँ और आशा रखता हूँ कि हमारे ज़िले में कम से कम 0 से 2 साल का कोई भी बच्चा अब की बार टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में ना केवल हमारा विभाग क्लेक्साब के द्वारा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है, भारत सरकार की भी यही मंशा है, और इस प्रोग्राम को लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी संदेश विभिन्न माध्यमों से डेली TV पे वो भी आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ये जो ज़िला है ये किसी भी प्रकार 0 से 2 साल के बच्चे और इसके साथ साथ वो माताएँ जो गर्भवती हैं उनका भी टीकाकरण अगर रह जाता है तो हम उसको किस प्रकार पूरा करें, उसके लिए हमने अपनी जो है योजना भी बना ली है। हेडकाउंट हमारा पूरा हो गया है, उससे हमने ये देखा है कि हमने जहाँ जहाँ हमारे जो 8 ब्लॉक हैं उसके अलावा 2 हमारे शहरी ब्लॉक हैं बालोतरा और बाड़मेर, उनमें हमने ये देखा कि जो जो बच्चे वंचित रहे हैं उनकी हमने लिस्ट भी बनाई है, और ये प्रोग्राम क्योंकि 7 अक्टूबर से शुरू होना था और कई अन्य राज्यों में 7 अक्टूबर से शुरू भी हो चुका है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर ये 10 तारीख से शुरू होगा। अगर हम इसकी प्लानिंग की चर्चा करें तो हम 10 तारीख से लेकर आगामी 7-8 दिन के अंदर हमारे जो 8 ब्लॉक हैं उसको कवर करेंगे, और वो जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनके हम सेशन प्लान करेंगे। उसमें हमारी जो ANM है वो जाएगी, उसके अंदर जो मोबिलाइजर हैं, जो आशा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, वो बच्चों को उस सेशन के ऊपर लेके आएंगे। तो हमारे पूरे ज़िले के अंदर हमने ये 408 हमारे टोटल सेशन जो हैं वो आयोजित होंगे, क्योंकि एक एक महीने के गैप से होगा, और इसके अंदर हमने देखा है कि हमारे जो रूरल के हैं वो 388 सेशन है, और हमारा जो बाड़मेर है उसके अंदर हमने 13 सेशन प्लान किए हैं, और इसके अलावा 7 हमने बालोतरा अर्बन के अंदर प्लान किए हैं। इस प्रकार 408 सेशन ये हर महीने अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक है। जनवरी तक हम जैसे ही सभी बच्चों का टीकाकरण करेंगे, और हमारा ये जो भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि जो हमारा जो टीकाकरण जो पहले कभी 65% 70% रह जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी आशा व्यक्त करी है,
इतने हमसे भी उन्होंने यही कहा है कि भी किसी तरह से कोई भी बच्चा बचे नहीं, और इसका जो संपूर्ण टीकाकरण है वो 90% हम वर्ष 2018 दिसंबर तक इसको प्राप्त कर लें। इसके लिए आप सबका सहयोग तो है ही है। इसके साथ हम ये आशा करते हैं कि वो दूर दराज में बैठे हुए वो लोग जो थोड़े से अनपढ़ हैं या उन तक साधन नहीं पहुंच पाता है, तो किसी प्रकार आप जरूर वहां तक पहुंच रखें, ताकि हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी गर्भवती माता वो वंचित नहीं रहे। तो इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आपका मैं स्वागत भी करता हूँ, और आशा करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का एक उद्देश्य रहता है कि पहला सुख निरोगी काया, उसमें आप हमारा साथ देंगे। नहीं, इस बार देखो अभी यही फर्क है, पहले जो प्रोग्राम चला था मिशन इंद्रधनुष, उसमें राजस्थान सरकार का ही योगदान था, लेकिन जब अब ये प्रोग्राम भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है, तो इसमें जो मॉनिटरिंग का लेवल है वो बहुत हाई हो चुका है। इस बार केवल हमारा विभाग ही नहीं, अन्य विभाग, इसके अलावा राजस्थान सरकार ही नहीं, भारत सरकार प्रतिनिधि जो हैं और जो मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, वो केवल हमारे द्वारा नहीं, यूनिसेफ के जो मॉनिटर हैं उनके द्वारा भी की जाएगी, WHO के प्रतिनिधि हैं इनके द्वारा भी की जाएगी। अभी हमने दो दिन पहले ही इनके सानिध्य में कुछ मॉनिटर्स को ट्रेनिंग दी है, वो लोग भी करेंगे, तो इंडिविजुअल वो एक तरह का सर्वे भी होगा और उनका फीडबैक भी आएगा, और वहाँ आने के बाद कोई भी बच्चा वंचित रहता है। तो हमने ये प्रोग्राम कोई एक दिन का नहीं रखा है, हर महीने में 7 दिन है, तो 2-3 दिन में अगर टीकाकरण नहीं भी हुआ तो हम तो अगले 3-4 दिन के अंदर डोर टू डोर जाके उन बच्चों को फिर लाएंगे, और उनका हम किसी भी प्रकार जो है 90% वाला जो लक्ष्य है वो हासिल करेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम होनी चाहिए और उसके लिए कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस यही है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो राजस्थान में इसके लिए 11 जिले चुने गए हैं, तो 11 जिले चुने हैं इसका मतलब वहाँ पर जो टीकाकरण का जो स्तर था वो थोड़ा सा कम था, और जो उनकी भौगोलिक परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं विपरीत है। हमारे ज़िले में भी क्या है कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है, ढानियों में बसी हुई है, वहाँ अप्रोच करना मुश्किल है। दूसरा, यहाँ ANM के काफ़ी समय से जो पद थे वो भी रिक्त चल रहे थे, तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि जहाँ पे हमारी ANM 2-3 महीने से नहीं है और पॉपुलेशन ऐसी है कि वहाँ तक हमारा स्वास्थ्यकर्मी नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ का हमने सर्वे कराया। सर्वे किन से कराया? वहीं जो आसपास की ANM थी, आशा थी, आंगनबाड़ी वर्कर थी, उनसे करवाया, तो निकल के आया कि ये कुछ बच्चे हैं ये वंचित रह गए हैं। अब वो जो बच्चे हैं, हमारे पास ड्यू लिस्ट है, हमें पता लग गया ये बच्चे हैं, तो जब पता लग गया है हम तो उनके लिए स्पेशल ये जो सेशन प्लान हम कर रहे हैं, 408 की बात करी मैंने, जो रूरल एरिया में 388 हैं, वहाँ पे हम आगामी 4 महीनों में लगातार सेशन करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे, और बच्चों को किसी भी तरह से हम 90% जो टीके, जो लक्ष्य है हमारा वो हासिल करेंगे। सर देखो, ये जो प्रोग्राम है इसका नाम हमने देखा सघन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है। इसमें मेनली हम कहते हैं टीकाकरण जो करता है वो हमारा स्वास्थ्यकर्मी करता है, वो या तो ANM होती है या GNM होती है ना। डॉक्टर्स का काम सिर्फ इस अभियान में ये है कि उनको सुपरविजन करना है, ठीक है ना। ब्लॉक स्तर के ऊपर हमारे जो ब्लॉक सेक्टर अधिकारी हैं, उसके बाद जो सेक्टर अधिकारी होते हैं वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो निकाल के लाए हैं, उन्होंने ही तो अपनी ANM, अपनी आशा, अपनी आंगनवाड़ी जो वर्कर है उनसे पूछा, उनका वैलिडेशन किया कि ये बच्चे बच गए थे, तो उनका सुपरविजन ही रहेगा। उसके अंदर उनका कोई टेक्निकल काम ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद जाके टीके लगाने, टीके तो हमारी ANM लगाने, ठीक है ना, और वो भी आसपास की जो ANM जो सेशन जहाँ होगा उस एरिया की जो ANM है उसी ने अपना प्लान बना के दिया है, क्योंकि ये एक्टिविटी एक दिन की नहीं है कि भी आज हो गई तो कल नहीं हो पाएगी, हमने 7 दिन में बिल्कुल आराम से, कुछ बच्चों को जैसे आज लगा उसने अपने आप ही दिया, जैसे सोम 10 तारीख को फिर 11 को, इसलिए 8 दिन का कार्यक्रम है, कोई भी बच्चा वंचित रहने की गुंजाइश नहीं। एक गांव जो 408 हमारे सेशन प्लान हैं उसके अंदर हैं, तो उसमें उनकी मर्जी, जैसे एक ANM है उसको अपना खुद का भी सब सेंटर पे भी काम देखना होता है, तो मान लो 10 तारीख को उसको खुद के सब सेंटर पे काम देखना है, तो उसने अपने सेशन को 11 तारीख में ले लिया, हो सकता है 11 को भी काम है तो उसने 12 को ले लिया, ठीक है ना।
किस प्रकार उसकी जो योजना है वो अगले 7 दिन में किस प्रकार करी है उसी ने बनाई हुई है, इसलिए कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उन कमियों को देखते ही जो मिशन इंद्रधनुष है वो सघन मिशन इंद्रधनुष में बनाए। कमियाँ क्या थी? नंबर वन कमी यही थी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन थी, हमारे पास मैन पावर नहीं थी, ठीक है ना। इस बार हमने मैन पावर अदर डिपार्टमेंट से भी लेके सर्वे कराया, तो हेड काउंट का मतलब हमने एक बच्चे को चिन्हित किया, तो चिन्हित हो गया बच्चा। अब हमने सेशन का ये नहीं है कि आपने जो टीकाकरण करना है वो पर्टिकुलर जो जहाँ ANM है वहीं करना है, हम टीकाकरण की स्थिति को थोड़ा और अंदर की ओर ले गए। कहाँ ले गए? कि जहाँ पे जो बच्चे के अभिभावक है बच्चे को लेके आ सकें, इसलिए ये जो कार्यक्रम है इसको सघन भी हमने कहा है और इसमें लक्ष्य भी हम वो करेंगे। दूसरी बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि क्योंकि मैंने बताया कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नाम है ना इसका, इन्फेंट क्योंकि बच्चों की जो मृत्यु है वो ये जो VPD होती है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, अगर इनसे हम टीकाकरण नहीं कराते तो 1 साल के अंदर होने की ज़्यादा संभावना रहती है ना। अमिताभ बच्चन जी भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो बार बार कहते हैं 5 साल 7 बार, आपको अपने बच्चे को 5 साल के अंदर 5 साल की उम्र तक, ठीक है, 7 बार लेके आना है तो आप ये जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं जिनको हम रोक सकते हैं वैक्सीन देके उनको रोका जाए, उसके बाद वो बीमारियों के लक्षण जो है नहीं प्रतीत होते। बहुत अच्छी बात करी, हम 24-25 साल हो गए पोलियो से लड़ते हुए, लेकिन हमने पिछले 4 साल के अंदर हमारा जो राष्ट्र है उसके अंदर कोई भी पोलियो का केस नहीं आया। हम चेचक के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी को ख़त्म करने में सफल हो गए हैं। अब केवल दुनिया के 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया, जहाँ पे पोलियो का वायरस है। अब हमारे हमेशा युद्ध तो नहीं लड़ा जाता, लेकिन सेनाएं तो तैयार रहती हैं, तो जब ये पोलियो का वायरस हमारे पड़ोसी देश में है हमें तो अपने आप को बचाना है, इसलिए हम जो पोलियो की अब जो दवा देते हैं, जो ड्रॉप्स पिलाते हैं, वो अभियान जो होता है उसका नाम है SNID, सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ये नहीं है कि हम पोलियो तो वायरस ख़त्म हो गया अपने देश से, लेकिन पड़ोस में तो पड़ा है, वहाँ का वायरस हर हफ्ते आता रहता है, आ सकता है, इसलिए हमने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना। हम प्रोटेक्शन के लिए वो देते हैं। पोलियो की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो ये लगभग लगभग क्या हमारे देश में नहीं है, ठीक है ना। हमारे तो यही है कि इन 3 देशों से भी ख़त्म हो, उसके लिए WHO के जो हमारी जो टीम है वो कार्य कर रही है। दूसरा आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि कहीं ना कहीं प्रतिरोध जरूर आता है ना, कुछ लोग फतवे जैसे जारी करते हैं, इसके लिए भी इस बार के कार्यक्रम में माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। वो टास्क फोर्स के अंदर खाली हमारा विभाग नहीं है, अन्य वो विभाग, इसके अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, इसके अलावा कुछ नवयुवक जो ये बने हुए हैं और रोटरी क्लब और विभिन्न लोगों को हमने शामिल किया, और उसके लिए जहाँ सेशन प्लान कर रहे हैं वहीं के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को और जो लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं उनकी भी हमने कार्यशाला की है, और उनको बुला के उनको दोबारा फिर सचेत करते हैं ताकि उनके सामने इम्यूनाइजेशन करते हैं, तो ये जो थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस है ये भी कवर हो जाएगा। फिर भी कोई एरिया होता है तो उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, हम हैं, WHO के प्रतिनिधि हैं, कलेक्टर साहब हैं, और उन्होंने अपने अपने जो SDM साहिबान हैं उनको भी पाबंद किया है, भी ऐसे लोग हैं उनको थोड़ा समझाइश करके और किसी भी प्रकार हमने ये वैक्सीनेशन करवाना है। इसके अंदर क्योंकि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको BCG का इंजेक्शन वो देते हैं, ठीक है ना, जो कि TB जो बीमारी होती है उससे उसको निजात दिलाता है। उसके साथ साथ ही हम हेपेटाइटिस बी है उसका भी 0 डोज पिलाते हैं, और इसके अलावा पोलियो की भी 0 डोज पिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहले DPT इंजेक्शन लगता था, डेढ़ महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने के ऊपर, तो वो भी 3 बीमारियां कवर करता था, लेकिन हमने उसको धीरे धीरे रिप्लेस करके पेंटावेलेंट वैक्सीन जो कि 5 बीमारियों को कवर करता है, ठीक है। इस प्रकार ये 7 हो गई। उसके बाद जो 9वें महीने पे, जैसे ही बच्चा 9वें महीने का होता है तो मीजल्स की उसको हम वैक्सीनेशन करते हैं, उसके साथ साथ ही विटामिन ए वो भी पिलाते हैं, वो 2 स्तर के ऊपर पिलाते हैं, एक हम पिलाते हैं उसको अपने सबसेंटर लेवल पे 1 साल तक के बच्चे को, और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 6-6 महीने के बाद उसको आंगनवाड़ी के उसके ऊपर पिलाया जाता है। इस प्रकार
डेढ़ उसके बाद उसके जो बच्चे की उम्र 1.5 साल होती है उसको फिर हम बूस्टर डोज देते हैं, और 2 साल तक होते होते बच्चे को हम पूर्ण कंप्लीट टीकाकरण के रूप में मान लेते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे पेंटाविलेंट है, 5 डोज वो कवर करता है, टीटी का इंजेक्शन, BCG है, पोलियो है, रोटा वायरस है, ठीक है, ये दवाइयाँ मिला के कुल हम जो जिससे उसकी संभावना बच्चे की मोर्टिलिटी की रहती है उनका वैक्सीनेशन करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम बच्चे को किसी प्रकार 2 साल तक पूर्ण वैक्सीनेशन दे दें, ताकि कम से कम इन बीमारियों से बच्चा नहीं बचेगा और हमारी मृत्यु दर जो है बच्चे की वो कम हो। थैंक यू।